Good morning स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड. ओके, सो आज का मेरा टॉपिक है प्राइमरी ऑक्सिलरी. बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको शायद पता हो क्योंकि क्लास में मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था. तो कल हमने क्या पढ़ा था? वर्ब के बारे में पढ़ा था. मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज या एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में. इसमें डू वर्ब है, डू डस. क्लियर है? तो डू डस को कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इसको यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है. क्लियर है? तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये डू और डस का हम लोग यूज करते हैं. तो कैसे इसको यूज करना है आज हम जानते हैं. पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस पता है ना आपको, हैबिट के लिए यूज होता है, रेगुलर रिपीटेशन के लिए यूज होता है, नेचुरल फिनोमिनन के लिए यूज होता है, परमानेंट ट्रूथ के लिए यूज होता है, प्लांट प्रोग्राम के लिए यूज होता है. जैसे जैकब गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. जैकब सुबह में बहुत ही जल्दी उठ जाता है. तो यहाँ पे देखिए गेट्स अप लिखा है, यहाँ पे एस लगाया, गेट अप की जगह यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें एस लगाया. क्यों लगाया अभी बताते हैं. रेगुलर रिपीटेशन जो डेली होता है, पहला सेंटेंस किसका एग्जाम्पल है, हैबिट का, उसकी आदत है सुबह उठना जल्दी. दूसरा क्या है, रेगुलर रिपीटेशन कि वो डेली रिपीट करता है इसी चीज को. आई गो टू मूवी वंस मंथ, कह रहा है कि मैं एक महीने में एक बार मूवी देखने जाता हूँ. तो यहाँ पे गो लगा है, यहाँ पे गोस क्यों नहीं लगा है अभी क्लियर करते हैं. थर्ड है नेचुरल फिनोमेना कि जो प्राकृतिक चीजें होती हैं. द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है, यहाँ पे भी एस लगा है. ऑल ट्रेन स्टॉप एट दिस स्टेशन, वी लीव मेरठ एट ट्वेल्व टुमारो. देखिए जो भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे एस लगेगा. एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एस फॉर एस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. क्लियर है? सिंगुलर मतलब कि वर्ब में एस या ईएस लगेगा, अगर प्लूरल है तो उसमें नहीं लगेगा. जैसे जैकब क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? जैकब एक आदमी का नाम है, वो सिंगुलर है, तो हमने गेट अप की जगह गेट्स अप कर दिया. क्लियर? आई गो टू, आई के साथ गोस क्यों नहीं लगा? आप कहेंगे सर आई तो सिंगुलर है. या सिंगुलर है लेकिन आई और यू एक्सेप्शन होते हैं, इसको हम लोग प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं. क्लियर है? तो आई और यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा. तो आई के साथ क्या लग गया, गो लग गया, गोस नहीं लगेगा. क्लियर है? द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन क्या है, सिंगुलर है, सन एक ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, एस फॉर सिंगुलर, आई वर्ब में एस लगेगा. फोर्थ में देखिए ऑल ट्रेन्स, सब्जेक्ट क्या है, ट्रेन्स है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ट्रेन्स है मतलब एक से ज्यादा ट्रेन है तो प्लूरल है, तो क्या होगा यहाँ पे, स्टॉप होगा, स्टॉप्स नहीं होगा. क्लियर? वी क्या है, वी लीव मेरठ, वी मतलब हम लोग, एक से जाते हैं यानी कि प्लूरल है, तो लीव्स नहीं होगा, लीव होगा. क्लियर होगा? सिंपल प्रेजेंट क्लास में पढ़ाया था किस लिए यूज होता है, किस लिए, हैबिचुअल एक्शन के लिए, रेगुलर रिपीटेशन के लिए, नेचुरल फिनोमिनन के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, परमानेंट ट्रूथ के लिए, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और प्लान प्रोग्राम और एक्टिविटी टू बी डन इन फ्यूचर. अब फ्यूचर में कोई भी कुछ होने वाला है जो ऑलरेडी प्लान है, जैसे द ट्रेन लीव एट 11 PM, ये डेली का प्लान है. क्लियर है? तो इसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब इसका सेंटेंस का बनाने का स्ट्रक्चर होता क्या है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब का बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं. क्लियर? और उसमें एस या ईएस लगता है अगर वो सिंगुलर हो तो. क्लियर है? और लेकिन डू और डस का क्या यूज होता है, डू और डस का यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. क्लियर है? आइए देखते हैं कैसे बनता है. एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल क्या था कि जैकब डेली सुबह उठ जाता है. अब मैं बोलूं जैकब डेली सुबह नहीं उठता है तो क्या लगेगा, डू लगेगा कि डस लगेगा, सिंपल बताइए. देखिए डस में एस है ना, तो डू यूज होता है प्लूरल के लिए और डस होता है सिंगुलर के लिए. याद रखिए डू किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर, और डस किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए. याद कैसे होगा, देखिए इसमें यहाँ पे एस दिया है, ई एस दिया है ना, तो ई एस मतलब कि सिंगुलर और डू क्या होगा, प्लूरल के लिए. तो जैकब क्या है, सिंगुलर है ना,
तो यहाँ पे होगा जैकब डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और एक चीज और ध्यान देने की बात है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छे अच्छे लोग भी गलती करते हैं, डू डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ऑलवेज, कभी भी डू डज एंड डिड, जो भी डू फैमिली के जो भी है, डन, तो सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैकब डज नॉट गेट, यहाँ पे गेट्स नहीं लिखा है कि ऑलरेडी डज हो चुका है, क्लियर है? हाँ सर, समझ में आया। अब इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, मतलब क्वेश्चन, तो इसी को डस को हम लोग आगे कर देंगे। तो डस जैकब गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या जैकब सुबह जल्दी उठ जाता है, और अंतिम में क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या था, दिस स्टूडेंट डज नॉट अटेंड हिज क्लास डेली, यह स्टूडेंट डज नॉट अटेंड हिज क्लास डेली, यह स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर है ना, यहाँ पर डज लगेगा और अटेंड लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, कोई एस या ईएस नहीं लगेगा डू या डज के पास। तो उसका क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, डज दिस स्टूडेंट नॉट अटेंड हिज क्लास डेली, क्लियर है? ऑल ट्रेन्स डू नॉट स्टॉप एट दिस स्टेशन। अब यहाँ पे देखिए, ट्रेन्स क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, बताइए, प्लूरल है, तो क्या लगेगा, मैंने बताया था अभी आपको, प्लूरल के साथ डू लगता है, तो डू नॉट स्टॉप लगेगा, क्लियर है? अब इसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस, डू को हम आगे ला देंगे हेल्पिंग वर्ब को, डू ऑल ट्रेन्स स्टॉप एट दिस स्टेशन, क्लियर है? कुछ करना नहीं, बस इसको जो हेल्पिंग वर्ब है इसको आगे लेके चले आना है। दिस फ्लावर्स डू नॉट स्मेल स्वीट, देखिए फ्लावर्स क्या है, फूल, मतलब एक से ज्यादा फूल है, तो यहाँ क्या लगेगा, डू लगेगा, तो क्या होगा, निगेटिव हो गया, और इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, डू को हम लोग आगे लेके आएंगे। समझ में आ गया आपको? पहला चीज ये कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, क्लियर है? मतलब एस या ईएस लगेगा, डू लगता है प्लूरल के लिए, डस लगता है सिंगुलर के लिए, और डू डस डी के बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, याद रखिएगा। आइए कुछ और बातें जानते हैं। इन अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस वी यूज मेन वर्ब प्लस एस या ईएस विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब बेस फॉर्म विद प्लूरल ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बताया भी आपको, अगर सिंगुलर है तो एस या ईएस लगेगा, प्लूरल है तो नहीं लगेगा, क्लियर है? नेगेटिव में क्या होगा, डस डस नॉट लगेगा, और वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगा अगर सिंगुलर है तो, प्लूरल है तो डू नॉट लगेगा, क्लियर है? इंटरोगेटिव में भी सेम, डू किसके लिए, प्लूरल के लिए, डस किसके लिए, बताइए, डस होगा सिंगुलर के लिए, क्लियर है? और आई और यू को हमेशा प्लूरल मानते हैं, क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ सर, क्लियर, यही स्ट्रक्चर दिया है, इसको देख लीजिए आप लोग, कुछ नहीं है इसमें, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर है तो एस या ईएस लगेगा। असर्टिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव के लिए डज नॉट लगा दीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, और इंटरोगेटिव के लिए डू या डज पहले लेते आइए, सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्लियर है बेटा? हाँ सर, क्लियर तो है। चलिए इसको कीजिए, होमवर्क करके भेजिए हमको, कोई डाउट हो तो पूछिए जरूर। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर। Thank you.